पांच साल से गर्दन में दर्द रहता था, बैठा भी नहीं जाता था। विश्व जी से प्रार्थना करवाने के बाद ठीक है। तो हम लोग इसको हल्की सी गवाही सोचते हैं, ये दर्द था पांच सालों से। जब दर्द होने लगता ना तो पता चलता है, थोड़ी देर हो जब होता तो पता चलता भी है कैसे तड़पते हैं, कैसे क्या हाल होता है। हालेलुया, जय मसीह की। सबको पास्टर जी को जय मसीह की। मेरे पांच साल से गर्दन में दर्द था, मैं बैठती थी तो मैं रो के उठती थी, जब मैं पढ़ती थी तो मैं पढ़ा ही नहीं जाता था, मैं मेज पर बैठती तो मेरे कुछ होता ही नहीं था, मेरे यहाँ पर हाथ लगाते थे मुझे पता ही नहीं चलता यहाँ पर कुछ है भी। और मुझे 4 महीने हो गए हैं वैसे वसी में आए हुए। मैं पहले मतलब सबको मानती थी, जब मैं इसमें आई तब मेरे भाई को, छोटे भाई को शुगर है, उसे 4 टीके लगते थे दिन में, अब वो लगाता ही नहीं है, कन की रोटी खाता है। पहले वे बाजरे की और वो मिस आटे की रोटी खाता था, उसे बहुत ज्यादा पेन होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था उसे। तब हम सारे घर वाले रोने लग जाते थे उसके लिए, किसका क्या होगा। तेरे भाई को, मेरा छोटा है, मेरा मुझसे छोटा है। तो 4 टीके लगते थे शुगर के कंट्रोल करने के लिए, 4 टीके लगते थे रोजाना। तो जब से ये प्रभु में आए फिर वो लगाता ही नहीं है, अब ठीक है। हाँ जी। और पहले बाजरे की रोटी खाता था। हाँ जी। और अब वो कण की रोटी खाता है, अब गेहूं की रोटी, कण की रोटी खाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब लोग ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 4 टीके लगते थे एक दिन में शुगर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन परमेश्वर महान परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया। जब चमत्कार चर्च में आए तो टीके कहते अब लगाते ही नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। पहले बाजरे की रोटी खाते थे, अब गेहूं की रोटी खाते हैं। और दर्द होती थी फिर उससे। हाँ जी। हाँ। बहुत ज्यादा सर्दी में तो मतलब 3 साल हो गए उसके, शुगर था उसके, जब वो टीके लगाता था तो बहुत ज्यादा दर्द होता था, वो सर्दी में ज्यादा दिक्कत करता था उसको जो टीके लगाता था वो। तो फिर हमने जो प्रभु पर विश्वास किया तो हमें बहुत ज्यादा विश्वास हो गया। तब मेरे पापा मतलब शराब पीते थे, तब हमारे घर में बहुत ज्यादा छोटी मोटी दिक्कतें होती थी, हमारे घर में लड़ाइयाँ होती थी बहुत ज्यादा, किसका क्या होगा, हम इसे वहां पर लेके जाएं, इसे यहाँ पर लेके जाएं, हम सब जगह घूमे, हम इस मतलब राजस्थान को तो कहीं पर छोड़ा ही नहीं, बहुत ज्यादा फिरे थे हम। हमने बताया था कि चर्च में जाओ अच्छा होगा तुम्हारे भाई, तो हमारे प्रभु उन्हें उसे ऐसे ब्लेस किया कि वो टिक्के लगाने छोड़ दिए। तब वो छोटी मोटी जो चीजें खा लेता था, जैसे कि सब्जी, आलू की सब्जी खा ली तो वो सारे दिन मतलब सोया रहता था, उसे पता ही नहीं था मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसे भूख तो इतनी मतलब 14-15 बार रोटी खाता था वो दिन में, 14-15 बार बहुत ज्यादा रोटी खाता था वो, बहुत ज्यादा रोटी खाता था, इतने ज्यादा वॉशरूम करके आता था वो, बहुत ज्यादा एकदम सुकड़ सा गया था वो। और मतलब हमारे पड़ोसी वो कहते थे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो मेरा भाई इतना चंगा हो गया कि मैं प्रभु को ये आशीष करूंगी, ऐसी हमें गवाही के साथ खड़ा किया है, वैसा सबको करे, धन्यवाद। तो फिर आपके दर्द भी होती थी। हाँ, मेरे यहाँ पर पेट में दर्द था बहुत ज्यादा, मतलब मैं रोटी पोती थी ना। नहीं, पेट में दर्द था, हाथ तो आप यार लगा रही हो, यहाँ पर दर्द था मेरे। अच्छा, गर्दन में दर्द था बहुत ज्यादा, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने डॉक्टरों के पास भी दिखाया था कि मुझे यहाँ से दर्द होता है, वो ऐसे कहते थे कमजोरी के कारण हो रहा है। मैंने बहुत सारी दिक्कतें सही थी, मैंने यहाँ पर बहुत सारे कुछ लगाए थे। जब आप चर्च में आए, चमत्कार चर्च में आए, उससे बाद में नहीं होता, वो तेल लगाती थी मैं, अभिषेक का तेल लगाते थे। तो फिर ठीक है। हाँ जी। प्रभु मसीह का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर, इस बच्चे के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु मसीह का।
इसने सिर्फ अपनी गवाही लिखी थी, 5 साल से गर्दन में दर्द रहता था, अब बैठा भी नहीं जाता था, चंगाई हुई। और इसके भाई की भी इसने गवाही दी। कैसे अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, कैसे चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 4 टीके लगवाने एक दिन में कितना दुख भरा काम है, इतना आसान नहीं है ये। लेकिन मजबूरी में लोग करते हैं बेचारे, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, और प्रभु यीशु जी ने चंगा किया। पूरे राजस्थान में वो कह रहे हैं हम सब जगह जाए, लेकिन जब पता चला चर्च का, पड़ोसियों ने बताया कि आप चमत्कार चर्च में चलें, तो फिर चंगाई मिली इन्हें। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हुआ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं।